नमस्ते दोस्तों, मैं संजय धाकड़। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं यहाँ पर किसान भाई के खेत के अंदर, जहाँ पर पहले बैंगन की रोपाई की थी। और ये जो फसल है अभी 30 दिन के आसपास हो चुकी है और इसमें काफ़ी खरपतवार आ चुके हैं। तो इस तरह अगर बैंगन की फसल में आपको खरपतवार अधिक हो जाए तो आप इसको निराई गुड़ाई के द्वारा हटाएँ, तो जो आपकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगेंगी। और इतने दिन 30 दिन आपको रुकना है, ताकि रोपाई करने के बाद इसमें आप जल्दी निराई गुड़ाई करोगे तो इसकी जड़ें हैं वो विकसित नहीं होती हैं। जब अच्छी विकसित हो जाएं जड़ें और अच्छे नए पत्ते आ जाएं तो उसके बाद ही आप निराई गुड़ाई करें। तो यहाँ पर जो किसान भाई हैं उन्होंने अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई कर ली है। निराई गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें हल्का सा यूरिया का छिड़काव करना है और फिर इसमें पानी पिला देना है। और आपको कुछ दिन और इसके सिंचाई के बाद वापस इसमें आप देखेंगे कि पौधे अच्छे हो जाएंगे, नए पत्ते आएंगे, नई जड़ें आएंगी। तो इस तरीके से कुछ आपकी फसल बैंगन की हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हो चुके हैं पहले की अवस्था में। और फिर से अगर आप में टाइम मिले तो इसके अंदर निराई गुड़ाई कर दें और फिर इसमें आपको यूरिया का स्प्रे नहीं करना है, छिड़काव नहीं करें। और उसके निराई गुड़ाई के एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप इसमें सिंचाई कर दें। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारी जो फसल है 50 दिन की हो चुकी है और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी बैंगन की फसल 50 दिन की होने के बाद। और इसमें कुछ और खरपतवार उग के आया है तो फिर इसको मजदूर की सहायता से हटा दिया जाएगा। तो फिर से आपको निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई आप जितनी बार करोगे उतनी आपकी फसल के लिए अच्छी है। और यहाँ पर ध्यान देगी, ये देखिए इस तरीके से खरपतवार हैं तो इसको हटा दिया जाए। और पौधों की आप अच्छी तरीके से निगरानी करें, पौधों को पीछे पत्तों की तरफ देखें कि कहीं सफ़ेद मच्छर या इंसेक्ट वगैरह, मकड़ी वगैरह या इसमें एक तना छेदक लट आती हैं इल्ली, वो तो नहीं है। अगर ये कहीं आपको इसका प्रभाव दिखे तो आप तुरंत विशेषज्ञों की सलाह लें और अपने नज़दीकी दुकानदार से जाके दवाई ला के इसके ऊपर स्प्रे कर दें। ये देखिए यहाँ पर कुछ कीटों ने पत्तू का रस चूस लिया है और हो सकता है इसके अंदर इल्ली भी हो जो अपने पत्तू पर छेद बना रही है और धीरे धीरे पेड़ के अंदर चली जाती है पौधे के, और वो पौधे को काट देती है। ऊपर से इसके जो तना है वो ऊपर वाले पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ये रोग आने से पहले या इंसेक्ट के हमले से पहले आप इसमें निगरानी करें और इसके समय पर दवाई का छिड़काव कर दें तो आपकी फसल पूर्णतया स्वस्थ होगी और अच्छी चलेगी। आप देखेंगे इसके थोड़े दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये पौधे और बड़े हो जाएंगे। और धीरे धीरे आपको 70-75 दिन के बाद ये बैंगन का उत्पादन आपको देना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह फसल है गर्मी के अंदर है और अभी जो आप देख रहे हैं अप्रैल का महीना एंड होने वाला है। तो यहाँ पर फिर से आपको निराई गुड़ाई करके अच्छे से सिंचाई कर दें। निराई गुड़ाई से यही फ़ायदा है कि जब हम पानी पिलाते हैं तो ज़मीन ठोस हो जाती है जड़ों के पास, तो वापस इससे निराई गुड़ाई करने से वायु का संचार पौधे तक अच्छे हो जाता है और जो भी खनिज पदार्थ हैं वो जड़ों से आसानी से पहुंच जाते हैं। और आपकी जो फसल है उसमें कचरा या खरपतवार कम होगी तो उसमें मच्छर वगैरह कम आएंगे और फसल को जो खनिज पदार्थ या उसके जो पोषक तत्व हैं वो उनकी जड़ों तक आसानी से पहुंचेंगे। ज़्यादा खरपतवार होने से जो सारा जो खाना है वो खरपतवार खा जाती हैं और फिर जो आपके पौधों को आवश्यक खनिज पदार्थ या जो भी इसके लवण हैं जो आप देख सकते हैं जड़ों को मिलने चाहिए वो सारी तो पौधे हमारे अच्छे नहीं चलेंगे। तो आप देखेंगे खरपतवार हटाने के बाद इसमें किसान भाई ने सिंचाई कर दी है और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फसल हैं और इसमें थोड़े दिन बाद अब फूल आ जाएंगे और फिर ये किसान भाई को मई एंड तक इसमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो गर्मी ज़्यादा रहती है, अभी गर्मी का मॉनसून है, टेम्परेचर 30 से आप देख सकते हैं 40 डिग्री के आसपास होने लग गया है दिन में। तो ज़्यादा धूप से पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसमें सिंचाई आप 3 से 4 दिन के अंदर करें ताकि आपके पौधे सूखे नहीं और अच्छे हरे भरे रहें और जल्दी से बड़े हो जाएँ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फेरामेंट ट्रैप या प्रकाश पास हैं तो उसको लगा दें, जो कीट हैं वो उसके पास आके ख़त्म हो जाएंगे। और ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक बल्ब 500 वाट का या हेलोजन लाके लगा दें, रात में जो भी इंसेक्ट हैं उससे टकरा के और उसकी गर्मी से जल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसी रोचक जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।